तो आपने सिंपली क्या करना है, जो नंबर आपको दिए हैं आपने सिर्फ उनको ऐड करना है, आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं। ये वाली ट्रिक आपने और जगह भी देखी होगी, ठीक है, बट इस ट्रिक को मैं बहुत ही ज्यादा यूनिक वे में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स। ओके, डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स हम किस तरह निकाल सकते हैं, आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना आपका टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो जैसा हमारा जो आज का टॉपिक है डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स, इसमें क्या होता है कि हमें कोई दो नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, उन दो नंबर में से एक नंबर बड़ा होता है, दूसरा नंबर छोटा होता है, ठीक है। उन दोनों नंबर्स का स्क्वेयर करते हैं, ठीक है, और उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम जल्दी से जल्दी निकालते हैं, ठीक है, ओके। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास दिया है, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमारे पास दिया है 10 इसका स्क्वेयर, ओके, और हमारे पास दिया है 9 का स्क्वेयर, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या आप जैसे बीएड वाले स्टूडेंट हो तो आप लोग जैसे टैट दे रहे हो, सीटैट दे रहे हो, ठीक है, या टीईटी कमीशन है, मान लो आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, या किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है। और जैसा आपको पता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम जब हम लोग देते हैं तो हमारा इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग इतना सॉल्व करके उसको बैठे, ठीक है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, ये छोटा नंबर है, ये तो कोई भी कर ले, ठीक है, बढ़िया समझाने के लिए कि ये वाली जो ट्रिक है उसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसका जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंस देखना है, ये जो दोनों नंबर है, ठीक है, 10 और 9, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 10 में से 9 को घटा दिया, 1 आ गया, ओके ओके, ठीक है। उसके बाद इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है, ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे सकता है, ठीक है, अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, 9 का करेंगे 81 आएगा, 19 आंसर आएगा, वैसे भी 19 ही आता, ठीक है। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये हमारा टाइप वन है, टाइप वन कहते हैं इसको, ठीक है, टाइप वन। अब टाइप वन क्या है कि जब हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो अगर वन होता है, ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो नंबर आपको दिए हैं आपने सिर्फ उनको ऐड करना है और आपका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हम लोग तो डिफरेंस निकाल रहे हैं, हमें तो घटाना चाहिए, हम लोग ये एडिशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है, आपने क्या करना है, जो भी आपको दो नंबर दिए हुए होंगे जिनके बीच में डिफरेंस एक का होगा, आपने डायरेक्ट उन नंबर्स को ऐड करना है और आपका जो आंसर है वो इस तरह आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल और करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 27 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। अब जिसको तो स्क्वेयर्स याद है, जिनको स्क्वेयर की वैल्यू पता है, अब वो तो इस तरह से करेगा, 729 26 का 676, ठीक है, इस तरह ही करेगा ना, और इनको क्या करेगा, फिर वो लेस कर देगा, उसका आंसर आ जाएगा 53, ठीक है। अब जिसको स्क्वेयर की वैल्यू याद नहीं है तो वो क्या करेगा, वो पहले 27 गुना 27 करेगा, फिर 26 गुना 26 करेगा, फिर वो घटाएगा, तो उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने डिफरेंस देखना है, 27 और 26 में कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, आ गया 53, कितनी देर लगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको इस तरह से कोई भी नंबर दिया हुआ हो जिनके बीच में जो डिफरेंस है वो एक का हो, तो आपने क्या करना है, उन नंबर्स को डायरेक्टली ऐड करना है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। और थोड़े टफ वाले लेते हैं, ये थोड़े इजी इजी थे, आई होप आपको टाइप वन समझ आ गई है, ठीक है।
हम इसके दो तीन एग्जांपल और कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब जैसे ये आ गया 49 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर, ओके। अब जैसे हमने अभी दो क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया है। तो आपने सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना है। डिफरेंस हमारे पास है यहाँ पे एक का डिफरेंस है, ठीक है, एक का डिफरेंस है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, 49 प्लस 48 97 आ गया आंसर। कुछ नहीं किया हमने, जस्ट आपने नंबर्स को ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, तो आपका जो टाइप वन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको क्लियर भी हो गया है, ठीक है। ये लेते हैं हम 91 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर, ओके। इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक का है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास आएगा 91 प्लस 90 181, ओके। तो आई होप जो हमारा टाइप वन है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि कोई भी दो नंबर जिनके बीच में डिफरेंस एक का है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं आपने उनको सिर्फ ऐड करना है और आपका जो आंसर है आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो टाइप वन है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे टाइप टू की तरफ, ठीक है। तो टाइप टू में हमारे पास क्या है कि जो हमारा डिफरेंस है ना, अब वो एक का नहीं होगा, अब वो डिफरेंस दो का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। टाइप टू में क्या होगा कि व्हेन डिफरेंस इज टू, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग टाइप फोर या टाइप फाइव तक करेंगे, ठीक है। बाकी के जितने भी बचेंगे उनको हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा इस वीडियो का उसमें करेंगे, ठीक है। तो टाइप टू में बढ़ते हैं। अब जो डिफरेंस है ना वो दो का होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इजी से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो हम लोग छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है वो दो का है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डिफरेंस ही निकालना है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से दिया जाए कि 5 में से 3 का कितना आ गया आपके पास, सबसे पहले आपने वही करना है, आपके पास आ गया 2, ठीक है, वो 2 आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 लिख दो, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, आपका आंसर आ गया। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो इस तरह से है कि जो भी नंबर्स आपको दिए जाते हैं ना, उनके बीच में सबसे पहले डिफरेंस निकालो। जो आपका डिफरेंस है वो आपने बाहर रखना है, और जो आपके नंबर है उनको आपने ऐड करना है और उस डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालना है, उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और उसको डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर है आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट करना हो तो 25 माइनस 9 आ गया 16, ठीक है। तो ये तो था इजी आपको समझाने के लिए कि टाइप टू हमारा किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब हम इसके 3-4 एग्जांपल करते हैं तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और एग्जांपल हम थोड़े टफ वाले करेंगे, ठीक है। 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हम लोग टाइप टू कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा 2 का ही आएगा, तो 2 बाहर लिख दो, ब्रैकेट लगाओ, इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, ठीक है, ये हो गया 32 और ये आ गया 64, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो टाइप टू है वो काम करता है जब हमारा डिफरेंस 2 होता है, ठीक है। अब अगर इसको हमें इस तरह सॉल्व करना हो तो 289, ठीक है, और 225, तो भी हमारे पास 64 ही आएगा, यहाँ भी 64 ही आएगा, ओके। तो जिसको तो स्क्वेयर्स आते हैं, जिसको वैल्यूज पता है वो तो इस तरह करेगा, जिनको नहीं पता है, ठीक है, जिनको थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है, तो वो लोग थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे और वो लोग इस ट्रिक का पूरा फायदा उठाएंगे और जो आपका आंसर है वो आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर,
35 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर। ओके, डिफरेंस हमें पता है, दो इन दोनों को ऐड कर दो, दो गुना ये हमारा हो गया 68, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 136। ओके ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो टाइप टू वाले क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हैं, जब हमारे पास जो डिफरेंस होता है नंबर्स के बीच में वो दो होता है। ठीक है, इसमें लास्ट एग्जांपल करेंगे तो ये जो टाइप टू हमारी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंस दो का है, इन दोनों को ऐड करेंगे और मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, पहले से मैं रट के नहीं आया हुआ इनको, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को रटते नहीं हम लोग, ठीक है, हम लोग इसको समझ के फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके उतना अपने दिमाग का यूज कीजिए और जितना भी हो सके सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है जितनी भी हो सके। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप लोग परफेक्ट होते जाओगे। ओके, तो हमारे पास आएगा 264। ओके ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारी टाइप टू थी वो आपको समझ आ गई होगी और ये कंप्लीट भी हो गई है। ठीक है, तो टाइप टू में क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है नंबर्स के बीच में वो होता है दो का, आपने क्या करना था, दो को बाहर लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद जो दोनों नंबर है उनको ऐड करना है, उनको जमा करना है, ठीक है, और उसको दो से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और आपका आंसर है आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे टाइप थ्री की तरफ। तो टाइप थ्री में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो और वीडियो को पूरा देखना और बाकी वीडियोस को भी देखना और जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, तो टाइप थ्री में पहुंचते हैं जब हमारा डिफरेंस तीन का होगा। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, सिंपल नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल नंबर हमारा 10 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ओके, डिफरेंस इसके बीच में तीन का है तो जो भी नंबर हमारे पास ऐड करके आएगा उसको हम तीन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बस आपने यही ध्यान रखना है कि जो आपका डिफरेंस आ रहा है उससे ही आपने मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहां गया 3, 10 जमा 7 51। ठीक है, इसको यहां करते हैं तो यह आएगा 100 माइनस 49, यह आएगा 51। ओके, ऐसे भी 51 आ रहा है, ऐसे भी 51 आ रहा है। ठीक है, तो जब हमारा डिफरेंस तीन का होगा तो आपने क्या करना है, जो हम अभी तक करते हैं सबसे पहले आपने नंबर्स को ऐड करना है, ये प्रोसीजर तो सब में सेम रहेगा। ठीक है, चाहे डिफरेंस जितना मर्जी बड़ा हो जाए आपने क्या करना है कि नंबर्स को ऐड करते ही रहना है। ठीक है, बस जो आपका डिफरेंस आएगा उससे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सिर्फ ये चीज ध्यान रखना कि जो आपका डिफरेंस आएगा उससे ही आपने इनके एडिशन को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसके एग्जांपल करते हैं, इसके दो एग्जांपल करेंगे सिर्फ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लोगे। ठीक है, तो हमें पता है डिफरेंस तीन का, तो तीन बाहर आएगा, इन दोनों को लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास आएगा 69। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 207। ओके, अगर कहीं पे मेरी मल्टीप्लिकेशन वगैरह गलत हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, वैसे यहाँ पे मेरी गलत होती है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो 9 + 27, 2 + 18, 20, 207 आएगा। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, मैं भी आपकी तरह ही अभी एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, मैं भी अभी कोशिश कर रहा हूँ कि परफेक्ट हो पाऊँ टीचिंग में। ठीक है, तो जितना मुझे आता है उतना मैं करवाने की ट्राई करता रहता हूँ। ठीक है, कोई रट के नहीं आता हूँ, जो भी आपके सामने यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका हमारा जो लास्ट एग्जांपल है वो करते हैं, 74 का स्क्वायर 71 का स्क्वायर। ठीक है,
डिफरेंस तीन का है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा 145, इतना ही बनेगा ना, ठीक है। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बनेगा 15, 12 और एक 13, ठीक है, 3 और एक 435, ठीक है, यही बनेगा ना, 4 3 15, 4 3 12 और एक 13, 3 और एक 4, ठीक है, 435 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारा टाइप थ्री है, टाइप थ्री में क्या है कि जो हमारा नंबर्स के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, वो हमारा तीन का होगा। तो जो भी आपके पास उन नंबर्स को ऐड करके प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, या उसका रिजल्ट आएगा, वो आपने तीन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। टाइप थ्री में आपने यही ध्यान रखना है कि आपने तीन से मल्टीप्लाई करना है, टाइप टू में आपने दो से मल्टीप्लाई करना है, टाइप वन में एक से मल्टीप्लाई करते हैं, एक से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए हम एक को वहां पे काउंट नहीं करते हैं, तो हम वहां पे डायरेक्ट सिर्फ नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री को कंप्लीट कर लिया है और इसको समझ लिया है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे टाइप फोर और टाइप फाइव, ठीक है, और हमारी जो वीडियो है, जो हमारा टॉपिक है, वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं टाइप फोर में। टाइप फोर व्हेन आवर डिफरेंस इज फोर, ओके। अब डिफरेंस चार होगा तो हमने क्या करना है, चार से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले इजी वाला देते हैं एग्जांपल समझाने के लिए, 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो तो इस तरह से आएगा कि 100 - 36, ठीक है, यही आएगा 64, ठीक है। अब यहाँ पे करके देखते हैं, चार बाहर आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब हमारा डिफरेंस चार का होगा तो आपने क्या करना है, ठीक है, चार से ही मल्टीप्लाई करना है जो हमारा एडिशन आएगा करके, ठीक है, ओके। नंबर्स को ऐड करना ये तो सब में ही कॉमन रहेगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो टाइप फोर में हम लोग दो ही एग्जांपल करेंगे, एक हमने कर लिया और दो और कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया है, इतना कोई टफ भी नहीं है ये वाली ट्रिक, ठीक है। तो हम लोग करते हैं 30 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, ठीक है, बाहर आएगा चार, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आएगा 56, इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 224, ओके। 6 चौका 24, वहां से 2 5 चौका 20 और 2 22, ठीक है, तो 224 हमारे पास आ गया। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर, ठीक है, आप इसको आराम से देख सकते हो, क्योंकि वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो आप लोग देख पाओगे आराम से, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप बार बार इसको देख सकते हो, वैसे इतना मुश्किल नहीं है ये वाली चीज, ठीक है, बहुत ही इजी है। बस आपने डिफरेंस ध्यान में रखना कि डिफरेंस कितना है, उससे मल्टीप्लाई करना है, और जो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते आए हैं वो हर हमारे जो क्वेश्चन है उसमें सेम रहेगा, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल है इसका टाइप फोर का। अब टाइप फाइव में क्या होगा कि जो डिफरेंस होगा वो 5 का होगा, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ये तो सभी लोग हंसते हंसते कर लेंगे, ठीक है, ओके। इसको करते हैं वही सिंपल, अपना 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। तो इसमें क्या करेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास आएगा इनको ऐड करके, तो 10 जमा 5, ठीक है, ये हो गया 15 75, ओके। तो जब हम लोग टाइप फाइव करेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि डिफरेंस हमने देखना है वो 5 का होगा, नंबर्स को ऐड करना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें हम लोग दो एग्जांपल और करेंगे और ये आपको समझ आ जाएगा। इसमें तो हम कैसे भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, 46 स्क्वायर, ओके, ठीक है, यह आएगा 46 का स्क्वायर और 41 का स्क्वायर, डिफरेंस 5 का है दोनों के बीच में, ठीक है, 5 46 41, ये हमारा बन गया 87, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारा आएगा 5 43 43, 435,
ठीक है, ओके। सिर्फ नंबर्स को ऐड करना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका लास्ट एग्जांपल, नाइन्टी फाइव और नब्बे, ओके, 5 × 95 + 90 = 85, ठीक है, ये हमारा बनेगा 25 40 2, ठीक है, और ये 9, ठीक है, 925, ओके, ठीक है। तो टाइप फाइव में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो डिफरेंस होता है वो 5 का होता है, तो जो भी हमारे पास नंबर्स को ऐड करके आता है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पहले टाइप जो 5 थे, 1 से लेके 5 तक, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आई होप आपको ये वाली ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने अपना एफर्ट अच्छे से दिया है, ठीक है, अच्छे से लगाया है एफर्ट कि आप लोग इस ट्रिक को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो इस वीडियो से अगर आपको 1% भी नॉलेज मिलती है तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।